प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि रेखा ने शुरू में ही कहा कि बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और ये शुभ ग्रह है जो आम तौर पर जीवन की मुश्किलों को दूर करता है, तो बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति के किसी भी महिला का विवाह हो ही नहीं सकता। यानी महिला की शादी कब होगी, कैसे होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये होल सोल जिस ग्रह पे निर्भर करता है वो होता है बृहस्पति। अगर हम पुरुष की बात करें तो किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ एडजस्टमेंट कैसा होगा। और बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित कर देता है। किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा होगा तो पहले तो वो पुरुष खुद ही एक सज्जन और बैलेंस नेचर का व्यक्ति होगा, साथ ही साथ उसको पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो चीजों को बेहतर करेगी। अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देता है तो विवाह का होना भी मुश्किल होता है और विवाह का निभा पाना भी मुश्किल हो जाता है। किसी कारण से अगर शादी हो भी गई तो विवाह निभ नहीं पाता। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं और खराब अगर बृहस्पति हो जाता है तो वो अलग तरह की समस्या देता है और अगर बृहस्पति कमजोर होता है तो वो अलग तरह की समस्या देता है। कोई ग्रह खराब है या कमजोर है, इसमें एक बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। बृहस्पति जिन कुंडलियों के लिए शुभ परिणाम दे सकता है वहां पर वो कमजोर ही होगा, वहां खराब नहीं होगा। और जिन कुंडलियों के लिए अच्छे परिणाम नहीं देता है, अगर वहां पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो हम कहेंगे कि बृहस्पति खराब है। तो अगर बृहस्पति खराब है तो अलग तरह की समस्या, और अगर बृहस्पति कमजोर है तो वैवाहिक जीवन में अलग तरह की समस्या पैदा होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित किस तरह से करेगा? बृहस्पति अगर कुंडली में नीच राशि का है, अस्त हो गया है या सही स्थान पर नहीं बैठा है तो हम कहेंगे कि ये कमजोर है। कमजोर होने पर बृहस्पति विवाह में विलंब करवा देता है और विवाह हो जाने के बाद ये वैवाहिक सुख नहीं लेने देता। इसके कारण विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों आचार्य विवाह के लिए बड़े अहम माने जाते हैं, वैवाहिक जीवन चलाने के लिए भी अहम है। और बृहस्पति विवाह और वैवाहिक जीवन के अलावा आपके संतान पक्ष से भी संबंध रखता है, इसलिए ये तीनों मामलों को डिस्टर्ब कर देता है। शादी होती है विलंब से, वैवाहिक जीवन चलता है मुश्किलों के साथ, और संतान प्राप्त होने में भी असुविधा होती है, दिक्कत आती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बृहस्पति कमजोर है तो आप ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए, 5 मिनट समय निकाल करके सुबह और शाम पूजा करिए। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनने से भी आपको लाभ होगा,
अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो, और नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करिए। अगर आपके गुरु हैं और उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जप करिए, नहीं तो बृहस्पति का जो गुरु मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।